Good morning, friends. Myself, Dhiren Sathwala. Welcome to Unity Community. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर। चैप्टर जो है वो 10th चैप्टर है हमारे। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है। ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है? तो सबसे पहले मोशन किसे कहते हैं एंड मेजरमेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। दोनों चीज टोटली डिफरेंट है। ऑलराइट, मोशन का मीनिंग क्या होगा? मोशन का मीनिंग होता है फ्लक्स, मूवमेंट। अब मोशन यानी मूवमेंट, मोशन यानी मूवमेंट दैट मींस क्या, किसकी मूवमेंट? तो हम यहां पर कहेंगे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट मींस वो मोशन में है। हम ऐसा करते हैं, अब ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रियल डेफिनेशन हमें मोशन की दे रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम ऐसा कहेंगे। ऑलराइट, अब आगे के स्टैंडर्ड में बहुत सारा हमें पढ़ने को आएगा कि मोशन के कितने टाइम्स हैं, मोशन कैसे होता है, मोशन का यूनिट क्या है, ऑलराइट स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन क्या है, ये सब हम जो है वो आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि मोशन यानी क्या है। मोशन दैट मींस